अगर मैं आपको सर्जरी की टाइमलाइन के बारे में बताऊं, बहुत सारे लोग डरते हैं इस बात से कि सर्जरी होगी तो कब रिकवरी होगी, कितने दिन में हम हॉस्पिटल से बाहर जाएंगे। तो मेजॉरिटी ऑफ द सर्जरीज जो होती हैं हमारी, उसमें 3 दिन ICU में रहते हैं। जब पेशेंट्स का टोटल बेड रेस्ट पे हम 3 दिन ICU में रखते हैं, 4th दिन ICU में ही हमको चलाना फिराना शुरू करते हैं, 5वें दिन वो वार्ड में चलते फिरते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना करते हैं, और यूजुअली 6 से 7 दिन का डिस्चार्ज हो जाता है। ये 90% से ऊपर केसेस में ऐसा होता है कार्डिक सर्जरी, चाहे वो बाईपास सर्जरी हो चाहे वो वाल्व सर्जरी हो। अगर हार्ट फंक्शन पेशेंट का बहुत कमज़ोर हो चुका है ऑपरेशन में आने के पहले, तो उस तक 2 या 3 दिन इस ड्यूरेशन में इजाफा हो जाए, बट अदरवाइज सब पेशेंट्स के लिए टाइमलाइन यूजुअली यही रहता है। मेजॉरिटी तो ऑपरेशन, अगर बाईपास की बात करें या वाल्व सर्जरी की बात करें, तो ऑपरेशन की रिस्क 2 से 3% रहती है। सो हफ्ते भर बाद यूजुअली आप ऑपरेशन की छुट्टी करा के घर जा सकते हैं। अगर आप डेस्क वर्क करते हैं या दुकान पर बैठते हैं, तो उसके 1 हफ्ते बाद आप अपनी दुकान पर जा सकते हैं या अपने डेस्क वर्क पर जा सकते हैं। अगर आप हैवी काम करते हैं, तो हम रेकमेंड करते हैं कि आप महीने भर रुकें उस काम को करने के पहले, जब तक आपकी हड्डी जुड़ जाए। तो मैक्सिमम एक्चुअली अगर रेस्ट्रिक्शन देखा जाए तो वो 1 महीने का है कन्वेंशनल सर्जरी में। अगर यही बात मैं मिनिमल इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी करूँ, जो छोटे चीरे से हम ऑपरेशन करते हैं, उसमें आप ड्यूरेशन आधा कर सकते हैं।